जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सिफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशन और टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरठ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का। दोस्तों, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो रोड शो चल रहा है, जो कि लखनऊ में फरवरी में होने वाला है, उसी को लेकर मेरठ में भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रोड शो का प्रोग्राम किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उद्योग विकास मंत्री श्री नंद गोपाल जी और मेरठ के डीएम श्री दीपक मीणा जी और मेरठ के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी उपस्थित व अन्य सांसदगण, अन्य उद्योगपति इसके अंदर शामिल हुए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेरठ जिले की, तो मेरठ जिले को जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बने हैं, जब से मेरठ जिले को कुछ ना कुछ बड़ी सौगात दी गई है, या उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्ता में आए हैं, जब से मेरठ जिले को, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, या आपका अन्य प्रोजेक्ट हो, ये बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। और अब इस मेरठ जिले को उद्योग कॉरिडोर में बसाने के लिए जो निवेश आए हैं, आपके 17,000 करोड़ रुपए के निवेश मेरठ जिले को इस वक्त मिले हैं, और टारगेट है कि 20,000 करोड़ से ऊपर ये निवेश पहुंच जाएगी। जो उद्योग विकास, जो उद्योग पति यहाँ पर मेरठ में आए हैं, उन्होंने निवेश के लिए दायरे में बढ़ाया जाएगा। और जो पूरा मेरठ जिला है, जो अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस वे की, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, या रैपिड रेल हो, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, पूरा मेरठ जिले को उद्योग कॉरिडोर में तब्दील कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन से उद्योग यहाँ पर लगाए जाएंगे, चाहे आपका MSMI हो, या खादी ग्रोमो उद्योग हो, रेशम हर कथा हो, या आपका स्पोर्ट गुड हो, बास बैंड हो, कैची ज्वेलरी और बांध मंत्र, ये जो उद्योग है, ये जब नंद गोपाल जी आए हैं तो उनको दर्शाया गया है, वहां पर एक गैलरी बनाई गई है जिसके अंदर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट दर्शाए गए हैं, और इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और दोस्तों, ये निवेश की जो धनराशि है, ये आगे भी बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं कि उद्योग कहाँ कहाँ उद्योग लगने वाला है, और जो मेरठ जिले के आसपास के जो युवा है, उनको भी यहाँ पर नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसी प्रकार जो उद्योग है, जो 17,000 करोड़ का जो ये निवेश है, ये आगे भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।